गाइस, क्या आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप अपने एंड्रॉयड के जो लुक है, फील है, उससे बोर हो चुके हैं? तो कभी ना कभी तो आपको लगा ही होगा कि आपके पास भी आईफोन होना चाहिए, लेकिन आईफोन का जो बजट है वो आपके बस में नहीं है। तो गाइस, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को, चाहे वो ओप्पो, रियलमी या फिर कोई भी हो एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसको आप आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फीचर वाइज नहीं, लुक वाइज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को जो आईफोन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला आपको करना है वो है उसके लुक को चेंज करना। तो इसके लिए हमको लगेगा एक लॉन्चर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, लॉन्चर iOS 16 को, और सिंपल इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो भी परमिशंस आपको मांगेगा वो आपको इसमें अलाउ करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि लेआउट। इसमें एड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, सिंपली एड्स को आपको जो है बंद करना पड़ेगा देखने के बाद। और यहाँ पर जो है उसके बाद आप कोई भी जो इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कस्टमाइजेशन के और भी फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वॉलपेपर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, आइकन आप चेंज कर सकते हैं, नेम या फिर जो ऐप की लाइब्रेरी है उसको भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हर किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए आपको ऐड देखना पड़ेगा और उसके बाद क्लोज करके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐप लाइब्रेरी है, इसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट लॉन्चर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डिफ़ॉल्ट कर देना है और आपको जो है यहाँ पर इसका लुक जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ऐप लाइब्रेरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी। आइकन्स आप देख सकते हैं, iOS 16 का आइकन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। विजिट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपली अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टैप करके रखना है किसी भी ब्लैंक स्क्रीन पर, और यहाँ पे प्लस के आइकन से आप जो भी है विजिट्स वगैरह को यहाँ पर ऐड अपने इसमें स्क्रीन पर कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशंस भी सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करके आप इसको डन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर इसके लुक के बारे में बात, और यहाँ पर इसका लुक जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो कंट्रोल सेंटर है, तो ये भी सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन है आई सेंटर, iOS 16 कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपको सिंपली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसको आपको ओपन करना है और इसमें भी आपको जितनी भी परमिशंस हैं वो यहाँ पर अलाउ करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कस्टमाइजेशन कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसको जो है यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको आपके फ़ोन में जो इसका कंट्रोल सेंटर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर वर्क भी करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस भी चेंज होती है, ब्राइटनेस भी जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसकी भी परमिशंस आपसे अलाउ करने के लिए बोलेगा, वो आपको अलाउ कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जो एप्लीकेशन है, म्यूज़िक की एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले नहीं हो रही है, अदरवाइज़ जो यहाँ पर आप बाकी की चीज़ें देखेंगे वो सभी यहाँ पर आपको वर्क करती हुई दिखेंगी। तो ये कुछ यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर आपको देखने के लिए ऐसा मिल जाता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है दोस्तों वो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लॉक स्क्रीन iOS 15, और इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली यहाँ पर भी जो भी परमिशंस हैं वो आपको अलाउ करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से इसको टर्न ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर भी जो है आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं नोटिफिकेशन को भी लॉक स्क्रीन के। तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन करके अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ नोटिफिकेशन जो है iOS का वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें इसके यहाँ पर कॉलिंग UI की, तो वो भी आप यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको आपको अगेन प्ले स्टोर पर जाना है और आई कॉल स्क्रीन iOS फोन डायलर जो है वो लिख के सर्च करना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डेवलपर भी है यही वाला आपको ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके ओपन करेंगे और जो भी परमिशन से वो आपको इसमें भी अलाउ करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर जो भी इनकमिंग कॉल भी आएगा आपको उसमें भी आपको जो है iOS का ही जो फील है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन भी जो कॉलिंग का आएगा वो iOS की तरह ही आएगा। तो ये ऐप भी जो है आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर नंबर आता है वो है वॉलपेपर का। तो अपने फ़ोन को आईफोन वाला लुक देने के लिए जो फाइनल टच है वो आपको वॉलपेपर से करना है। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे आपको वॉलपेपर फॉर आईफोन 14 लिख करके सर्च करना है और ये जो एप्लीकेशन आएगी इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको ओपन करना है और जो भी यहाँ पर परमिशंस मांगेगा वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर ऐड देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐड जो है वो आपको सारे उसमें देखने के लिए मिलेंगे, उसको आपको यहाँ पर डिसेबल करना है। ऐड हटाने के बाद आपको यहाँ पर जो वॉलपेपर्स हैं लेटेस्ट वो देखने के लिए मिल जाएंगे आईफोन 14 के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स हैं 14 के। जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उसको चूज़ कीजिए। यहाँ पर आपको गैलरी में सेव करने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर इसको सेट करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या फिर दोनों पे अगर वॉलपेपर सेम लगाना है तो उसका ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेट कर देते हैं तो ये जो है आपके फ़ोन में यहाँ पर पूरा आपको आईफोन का जो लुक है वो यहाँ पर दे देगा। तो गाइज़ ये जो था पूरा वीडियो, इसमें मैंने आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे आप पूरा आईफोन का लुक को दे सकते हैं ये बताया है। तो गाइज़ यहाँ पर आईफोन के जो फीचर्स हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन आप उसके लुक्स को फील करके थोड़ा सा यहाँ पर अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।